press the bell icon and never miss any update from GNN. कि उनकी बातें बर्दाश्त की जाएगी, जैसे कि इन्होंने एक मुद्दा बीजेपी ने छेड़ दिया है राम मंदिर का, इन्होंने ये राग बार-बार अलाप रखा है, वो राम मंदिर वो जब से चली हुई आ रही है, उनकी जो आडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई थी, उन्होंने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने वहां पर जो भी मस्जिद थी वो तोड़वा दी और वो राम मंदिर आज तक नहीं बना है। दो तीन बार इनकी सरकार रह चुकी है, इन्होंने ऐसा क्या क्या उन्होंने दाब रखा है कि जब जब चुनाव होता है जब जब ही ये राम मंदिर का अलापते हैं। हमारा मानना है वहां पर ना तो मंदिर बने ना मस्जिद बने, वहां पर कोई एक हॉस्पिटल खोल दो, वो हॉस्पिटल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे देश के अंदर भाई रह रहे हैं सबके लिए वो काम आए वहां पर, क्योंकि मंदिर बनने से कोई एक धर्म का भला होगा और वहां पर हॉस्पिटल बनने से जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे नौजवान गुजरों कुमार हमारी महिलाएं उनका उनको सबको सबका लाभांश मिलेगा उन्हें। ये जो पार्टी है बीजेपी उसका अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, वो आरएसएस के काम पर एजेंडे पर काम करती है और दलितों को बार बार शोषण कर रही है। तो हम बता देना चाहते हैं प्रभात पार्टी के माध्यम से और यूथ स्वराज फाउंडर के माध्यम से कि दलितों पर हो रहे अत्याचार को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर जो ये बीजेपी पार्टी किसी बात पर भी हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी, हमारे दलितों के भाइयों पर हमारी माताओं पर अत्याचार जो हो रहा है, आज दिन हमारे घर जलाए जा रहे हैं, आज दिन हमारी बहन बेटी को शोषण हो रहा है, तो हम भारत प्रभात पार्टी के माध्यम से और यूथ के माध्यम से हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का हम वादा करते हैं आपसे। बाबा साहब ने हमें मूल मंत्र सिखाए थे कि संगठित रहो, संघर्ष करो, एकता में रहो, हमारे हम सबको एकजुट होकर के रहना है साथियों। बीजेपी सरकार आई और उन्होंने कहा कि हम रोजगार विकल्प कराएंगे आप लोगों के लिए, ना तो उन्होंने रोजगार किसको विकल्प कराया है, ना ही उन्होंने रोजगार भत्ता दिया है। मेरे नौजवान साथी जगह जगह भटक रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन बीजेपी ने कहा एक एजेंडा है वोट लेना है और नौजवानों को हमें ऐसी कर दे रहा है। उन्हें दूसरी बात आपने सुना होगा टीवी के माध्यम से चैनलों के माध्यम से बता रहे हैं बीजेपी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने एक बात कही कि हनुमान जी जो थे वो दलित थे। क्या सच्चाई है इस बात के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हनुमान जी जो थे वो जंगलों में रहते थे और जंगलों के अंदर हमारे आदिवासी भाई रहते थे, जो लोग रहते थे वो आदिवासी थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हनुमान जी जो थे वो बाल्मीकि समाज से संबंध रखते थे, क्योंकि बाल्मीकि एक समाज एक ऐसा समाज है वो सबकी रक्षा करता है, सबकी सेवा करता है और सबके सभी के हितों की बात सुनता है। तो इसमें जो हमारे पूर्वज, मैं तो ये मानता हूँ कि जो हनुमान जी जो थे हमारे पूर्वज थे, हमारे रक्षक थे और जहाँ जहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए वो अपने भी हनुमान जी की पूजा करें बाल्मीकि के साथ में। और मेरा एक आवाज लास्ट आवाज यह है कि जहाँ पर भी मेरे साथी मेरी आवाज को सुन रहे हो देश के कोने कोने तक, बीजेपी का वोट ना दे, क्योंकि बीजेपी जो है ये सर्वाधिकार की पार्टी है और इसे जो है ये दलितों का शोषण करती है। तो इस बात को गौर करें, जो साथी मेरे बीजेपी के अंदर गोद में बैठे हुए भी है उन्हें जो है बीजेपी से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यह पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, मनुवादियों के कारण पर काम करती है पार्टी है। बहुत बढ़िया, कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं और भी वक्ता है मेरे भाई। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम जीएनएन।